हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आपके सामने और एक रेसिपी के साथ आ गए हूँ। आज मुझे पंडाल में प्रसाद लेके जाना है, तो मैं साबूदाना खीर बना रही हूँ। तो आप लोगों को इससे पहले भी मैं साबूदाना का खीर बना के बता चुकी हूँ, तो प्रसाद के लिए बनारस में आपको और एक बार शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको। प्रसाद में एकदम सादगी से बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटे ग्लास उतना साबुदाना भिगोने के लिए लगा दिया है 1 घंटे के लिए, और दूध लगा दिया है गर्म होने के लिए। देखिए दूध भी गर्म हो चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद हम जो पहले से भिगो के लगाया ऐसा साबुदाना लगा देते हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया भिगो, आप रात में भी भिगो के भी करा सकते हैं। जल्दी से पक जाएगा और जल्दी टेस्टी टेस्टी रेडी हो जाएगा। देखिए ये पकना भी शुरू हो गया है। अब इसको पकने के लिए 3 से 4 मिनट लगते हैं। लो फ्लेम में लगाइए तो आराम से पक जाएगा, नहीं तो दाग लग जाएगा। देखिए ये पूरी तरह से पक गया है, साबुदाना पक गया है। साइड में लगा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं एक डिश लिया है, उसमें 2 से 3 चम्मच, छोटे चम्मच से 3 चम्मच उतना घी डाल चुकी हूँ। और उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप कौन सा भी ले सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम या पिस्ता भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम लिया है, बादाम लेके फ्राई कर रही हूँ। बादाम देखिए लाइट कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी बादाम को मैं दूसरे शिफ्ट कर देती हूँ, ताकि हम जो सेमैया है सेमैया फ्राई कर सकें। सेमैया भी मैं 1 ग्लास उतना लिया, और इलायची भी ले लिया, 4 से 5 इलायची भी लिया है। अभी मैं सेमैया डाल चुकी हूँ। डाल के अच्छा से इसको फ्राई कर लेते हैं। लाइट, एकदम लाइट गोल्डन कलर आए तक फ्राई करना है, और फ्लेम को बिल्कुल मत बढ़ाइए। अगर फ्लेम को बढ़ाए तो जल जाएगा, जल गया तो प्रसाद ठीक से नहीं रहेगा। कड़वापन, एक कड़वापन आता है वो आ जाएगा, इसीलिए लो फ्लेम में लगा के इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। ये फ्राई हो रहा है, मैं यहाँ साइड में थोड़ा सा 2 ग्लास उतना पानी भी गर्म होने के लिए लगा दिया। देखिए समय यह फ्राई हो गया, जो गर्म पानी है वो डाल दे रही हूँ। ठंडा पानी डालने से पूरे से उंडे के जैसा बन जाता है, इसलिए मैं गर्म पानी, हमेशा पानी गर्म करके डालिए, फटाफट बन जाता है, खिला खिला रहता है, अच्छा रहेगा। इसलिए मैं गर्म पानी, जो उबालो पानी उसमें डाल दिया है। अभी इसको हम पकने के लिए लगा देते हैं। सेमैया जल्दी से ही पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। देखिए सेमैया भी पक चुका है। देखिए अभी हम जो साबुदाना पका के लगाए हैं वो साबुदाना भी डाल देते हैं। देखिए साबुदाना अभी भी गर्म है। साबुदाना एक बार गर्म करो तो बहुत देर से ठंडा होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। अभी साबुदाना को और सेमैया को दोनों को एक साथ पकाना है, तो एकदम पकते पकते वो एकदम गाढ़ा हो जाता है। और इसी टाइम में हम 1 कप जिस मेजरमेंट से लिए हैं वो मेजरमेंट से मैं शुगर डाल रही हूँ। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो और 1 आधा कप उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ ग्लास का लिया है, आप कप से लिए तो कप से बराबर डालिए, या ग्लास से लिए तो ग्लास के बराबर डालिए। अभी इन दोनों को अच्छा सा पकने देते हैं, ताकि शुगर और सेमैया और साबुदाना तीनों भी अच्छा सा पक सके। अभी हम इसको लो फ्लेम में लगा के छोड़ते हैं, आराम से पक जाएगा। देखिए पकना शुरू हो गया है। अब इसको एक बार हम चेक करते हैं। देखिए अच्छा सा ये पक चुका है। अभी हम इसमें दूध डाल देते हैं। ऑलरेडी हम दूध गर्म करके साइड में लगा चुके हैं। अगर आप लोग कच्चा दूध डालें तो फट जाने की रहता है सर डर, इसलिए दूध गर्म होने के बाद डालिए तो अच्छा रहेगा। ये आप सब लोगों को मालूम है, फिर भी मैं एक छोटा सा के बता चुकी हूँ। इसको अच्छा से लो फ्लेम में आराम से पकने देते हैं, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक पकाए तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि दूध में पकता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। इसलिए मैं 1 5 मिनट पकने के लिए लगा देती हूँ। उससे पहले मैं इलायची को एकदम दरदरा सा कूट के लगा चुकी हूँ, जस्ट ऐसा कूट के लगाया है, वो अभी तोड़ के उसमें डाल देती हूँ, ताकि अच्छा सा स्वाद भी आए और खुशबू भी बढ़िया आए। इसीलिए 1 4 से 5 इलायची कूट के डाल दे रही हूँ। देखिए अच्छा सा उबाल आ रहा है, अच्छा खुशबू भी ऐसा से जम के खुशबू आ रहा है। मगर हम प्रसाद बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा सा पक चुका है, उसके बाद में मैं ठंडा होने के लिए लगा दिया है। ठंडा होने के बाद ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, ताकि दूध ना फटे। इसीलिए देखिए अब मैं ड्राई फ्रूट्स डाल चुकी हूँ। ये तो रेडी हो गया बन के।
अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भूलिए मत जो भी वीडियो मैं डालूँगी, ताकि आप लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।